Alright, so hey guys, what up everybody, it's your boy Danny Z Hen, back at it again with a new video, baby. Alright, so hey guys, what up everybody, जैसे कि तुम सभी जान ही गए होगे, ये इंट्रो किसका है, मैं बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं, ये इंट्रो है अपने दानी जी हैन का, जो कि अभी इस दुनिया पे नहीं, पर आज हम उन्हीं की लाइफ स्टोरी के ऊपर बात करने वाले और उन्हीं की स्टाइल में, सो वही डूड के वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करके जाना, सो वही एंड तक देखो। देखते ही मुझको तुझसे प्यार होगा। तो मेरे भाई, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1996 में मुंबई महाराष्ट्र में कुल्ला में। अरे हम लोग को पता है, इनके मरने के बाद एक वीडियो नहीं चला था कुल्ला की शान कौन दानिश, चाहे तो पहले वो वीडियो देखो। कुल्ला की शान कौन दानिश। तो जैसे कि तुम लोग को पता चली गया होगा, कुल्ला एक जगह जहाँ पे दानिश जैन का जन्म हुआ था। और हाँ, दानिश जैन की एक खास बात पता है क्या, कि उसके व्लॉग में उछल कूद फांद ये सब अधिकतर होती थी हैं, और ये कहा जा सकता है वो हम लोग की तरह आलसी नहीं था। अब तुम ही लोग ये वीडियो देख रहे हो, पक्का बैठ के या लेट के ही देख रहे हो, 100% चांस है खड़े होकर कोई नहीं देख रहा होगा, तो कमेंट करके बताना जरूर। अब बात कर लेते हैं दानिश जैन के स्कूल के बारे में। तो हम बता दें, दानिश जैन जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का नाम था केदारनाथ विद्या। थोड़ा भूल गए तुम लोग, स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो कि वही स्कूल का नाम था। अब बात कर लेते हैं दानिश जैन की पढ़ाई की। तो हम बता दें, उनकी पढ़ाई भी स्कूल के ऐसी थी जैसे हम लोग की होती ना, कि बस जब पेपर आते तब रट्टा मारना शुरू और नंबर आ जाते, वही चीज़ इनके साथ भी थी। और अब बात कर लेते हैं मेन की यूट्यूब जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से ये यूट्यूबर बनना शुरू हुए। दानिश जैन की यूट्यूब जर्नी तो रैप सॉन्ग से स्टार्ट हुई, क्योंकि उनको रैप सॉन्ग करना बहुत ही अच्छा लगता था, मतलब रैप सॉन्ग गाना, तो इसलिए उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया था DMG करके, दानिश जैन DMG करके। तो पहले तुम लोग उनका रैप सॉन्ग सुनो। DMG अपने एरिया का छोटा सिक्का अचानक से ऊपर आया, जैसे ही मैं ऊपर आया। तो जैसे कि तुम लोगों ने दानिश जैन का रैप सॉन्ग तो सुन ही लिया होगा, अब हम बात कर लेते हैं दानिश जैन के व्लॉग चैनल की जर्नी के बारे में, कि व्लॉग चैनल कैसे खोला दानिश जैन ने। दानिश जैन का पहला व्लॉग चैनल था दानिश जैन लाइफ स्टाइल, जिसका नाम था। उस चैनल पे उन्होंने पहली वीडियो डाली थी चोर बाजार के ऊपर, वो वीडियो वायरल हो गई थी। इसे धीरे धीरे सारी वीडियो वायरल होती गई और दानिश जैन को लोग पहचानने लगे उसी चैनल के बदौलत। उस चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर थे और वो चैनल अचानक से डिलीट हो गया। उसके बाद भी दानिश जैन ने हार नहीं मानी और अपना मेन चैनल खोला, मतलब जो कि अभी यूट्यूब पे आप लोग देखते हो, वो उनका सेकेंड चैनल है दानिश जैन, उसको बनाया। उसके बाद फिर ऑडियंस उनको पहले से ही जानती थी, तो जल्दी जल्दी ऑडियंस भी उधर पे गई और 1 लाख सब्सक्राइबर उनके 1 हफ्ते के अंदर हो गए थे। उन्होंने Q&A भी ऐसे बहुत से वीडियो डाली, फिर उन्होंने भी व्लॉगिंग डेली करना शुरू कर दिया बिना गैप के, और उस चैनल पे उनके सामने 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। उसके बाद दानिश जैन को एस ऑफ स्पेस में जाने का मौका मिला, और जैसे ही दानिश जैन एस ऑफ स्पेस में गए, वहाँ से लोग इनको ज़्यादा ही जानने लगे और ये ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए। उसके बाद इन्होंने अपना मीटअप भी रखा था, मीटअप में इतनी भीड़ थी जो कि एक बॉलीवुड को टक्कर दे रही थी, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। उसके बाद इनकी पॉपुलरिटी और भी बढ़ती चली गई और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हो गए। इन्हें लोग इंस्टाग्राम का किंग कहते थे, टिकटॉक का किंग कहते थे, तो आप लोग सोच सकते हो कितने फेमस है। फिर 20 दिसंबर को ये अपने दोस्त की शादी से आ रहे थे, तो अचानक से कार से एक्सीडेंट हुआ और ये इनकी मौत हो गई, और इनका लास्ट वीडियो ये था। तो भाई लोग, बस आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दानिश भाई बोल दो। तो तुम लोग का भी काम बनता है कि तुम लोग सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। Let's go back to